हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके लिए लेके आए किया की सोनेट GTX प्लस वेरिएंट, जो कि इसकी IMT ट्रांसमिशन होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें। तो एक बार आप छोटा सा इसका वॉक अराउंड ले लीजिए और सिनेमैटिक वीडियो इन्जॉय कीजिए। तब तक मिलते हैं हम थोड़ी ही देर में। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news. उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट अच्छी लगी होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो आप फ्रंट प्रोफाइल पे आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ब्रॉड विंडशील्ड मिल जाता है। उसी के बाद अगर आप हुड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर लाइंस मिल जाता है, देख सकते हैं, जो कि एयर कटिंग में गाड़ी की हेल्प करता है। यहीं पर आपको किया का नेक्स्ट जनरेशन लोगो आ जाता है। और बात करते हैं इसके टाइगर नोज ग्रिल की, तो यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश में आपको टाइगर नोज ग्रिल मिलने वाला है। और यहाँ पर रेड इंसर्ट है, साथ में GT लाइन का लोगो है, जो कि लुक को काफ़ी इन्हांस कर रहा है, आप देख सकते हैं एक बार। और यहीं पे आपको डायमंड नर्लिंग पैटर्न मिल जाता है, जो कि क्रोम फिनिश में है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके हेडलैम्प को, तो यहाँ पे हेडलैम्प LED में दिया जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको टर्निंग इंडिकेटर इंटीग्रेटेड होता है DRLs में। और यहीं पे आपको DRLs मिलता है, जो कि व्हाइट लाइट में DRLs आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब यहीं पे आप इसके जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के साथ फॉग लैम्प मिल जाता है देखने के लिए, जो कि ग्राउंड की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। यहीं पे आपको 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इसके। और इसी के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट के साथ स्किड प्लेट मिलता है, जो कि वेंटिलेटेड स्किड प्लेट होता है। अगर बात करें इसके बेनिफिट की, तो यहाँ पे आपको ये इंजन को ओवरहीट नहीं होने देता है, या फिर रेडिएटर को ओवरहीट नहीं होने देगा, एयर सर्कुलेशन होता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके हुड में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो आप जैसे ही हुड में देखेंगे, हुड के अंदर तो आपको यहाँ पर टर्बो इंजन मिलता है, जो कि पेट्रोल का टर्बो इंजन है। अब इसके वारंटी की बात कीजिए तो यहाँ पे जो वारंटी मिलता है आपको 3 साल के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए वारंटी मिल जाता है। और ये 3 सिलेंडर इंजन होने वाला है। और बात करते हैं इसके बैटरी वारंटी की, तो 18 मंथ्स का बैटरी वारंटी मिल जाता है। यहाँ पर आपको फ्यूज़ बॉक्स मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर ब्रेक ऑयल, कूलेंट, वॉशर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें इसके हुड की, तो हुड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा भारी मिलने वाला है, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो गाइज, अगर बात की जाए इसके पावर की, तो यहाँ पे आपको 120 BHP का पावर मिल जाता है और 172 Nm का आपको टॉर्क यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर इसके साइड प्रोफाइल में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 16 इंचेस का क्रिस्टल कट अलॉय व्हील मिल जाता है, जो कि रेड इंसर्ट के साथ आता है। व्हील काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, आप एक बार देख सकते हैं। और यहीं पर आपको व्हील आर्च स्लाइडिंग मिल जाता है, जो कि मड से प्रोटेक्ट करता है गाड़ी को। साथ ही में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको ORVM पे नज़र पड़ेगा, जो कि डुअल टोन ORVM है। टर्निंग इंडिकेटर इसमें इंटीग्रेटेड आने वाला है और ये ORVM इलेक्ट्रिकल ORVM है, जो कि फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल है। साथ ही में अगर उसके आप डोर पे देखेंगे तो डोर पे यहाँ पे आपको क्लाइडिंग मिल जाता है, जो कि रेड इंसर्ट के साथ आता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। और छोटा मोटा इम्पैक्ट जो भी गाड़ी पे आती है उस चीज़ से बचाता ही है गाड़ी को। और यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है, विंडो बेडिंग मिल जाती है, गाड़ी की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है। फ्यूल टैंक की अगर बात की जाए तो 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, क्योंकि आप एक बार रिफ्यूल करा के आराम से कोलकाता ट्रैवल कर सकते हैं, बिहार टू कोलकाता। अब इसके रियर प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्की एंटीना मिल जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी होती है नॉर्मल पोल एंटीना के मुकाबले। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, और वहीं पे आपको वॉशर और वाइपर का भी सुविधा मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है, जो कि कॉपर वायर इसमें दिया रहता है, जो कि आपके मॉइस्चर को डिफॉग कर देता है। रियर विंडशील्ड पर अगर मॉइस्चर आती है उसको डिफॉग करके ये हटा देता है। और यहाँ पे जो आपको लाइट मिलने वाला है वो LED में पार्किंग लाइट मिलने वाला है, और इसका बैक लाइट भी जो है वो LED में मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और साथ ही में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर के तौर पे, एक तरह से आप रिफ्लेक्टर के तौर पे यहाँ पे आपको कनेक्टिंग मिल जाता है लाइट। और यहीं पे आप जस्ट उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको डायनामिक गाइडलाइन के साथ कैमरा मिल जाता है, जो कि आपके रिवर्स आप जब भी पार्किंग करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सोनेट का आपको यहाँ पे बैचिंग मिल जाता है, किया की बैचिंग मिल जाती है, साथ ही में यहाँ पे GT लाइन का भी स्पेशल लोगो मिल जाता है आपको देखने के लिए। यहाँ पे टर्बो इंजन का सिंबल दिया हुआ है।
अगर बात करें यहाँ पे इसके बूट स्पेस की, तो 392 लीटर के इसमें आपको बूट स्पेस मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। और यहाँ पे आपको बूट लैम्प इंटीग्रेटेड मिल जाता है, पार्सल ट्रे मिल जाता है, और यहीं पे आपको डोर हैंडल भी, रियर का डोर हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है, किसी भी सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन कर जाती है या फिर आपकी गाड़ी का गेट नहीं खुलता है, आपकी गाड़ी पे एक्सीडेंट हो जाती है, तो आप जस्ट यहाँ से इस कॉइन को स्लाइड करके या फिर की से स्लाइड करके आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं। अब जस्ट इसके बम्पर पे आप देखेंगे तो बम्पर पे आपको काफ़ी स्पोर्टी सा डुअल मफलर डिज़ाइन में आपको यहाँ पे स्किड प्लेट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। और यहीं पे आपको चार पार्किंग पॉइंट में सेंसर्स भी मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स। चलते हैं अब इसके पैसेंजर साइड में, तो पैसेंजर साइड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। पैसेंजर साइड में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सनशेड कर्टन मिल जाता है, जो कि धूप से बचाता है, साथ साथ प्राइवेसी भी प्रोवाइड कराती है आपको गाड़ी में। यहाँ पर आपको क्रोम में डोर हैंडल मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है, देखिए क्रोम में डोर हैंडल मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है, सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट मिल जाता है, पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे बोस का साउंड सिस्टम मिल जाता है आपको प्रीमियम लोगो के साथ। यहाँ पे बॉटल स्टोरेज दिया गया। बात करें इसके सीट की, तो यहाँ पे आपको सीट जो मिलने वाला वो लेदरेट सीट है, जो कि आपको आइसोफिक्स सीट मिलता है यहाँ पे, और परफोरेटेड सीट होता है, आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं आने देता है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचरिस्टिक गाड़ी है। अब इसके लेगरूम की बात की जाए, तो यहाँ पे जो आपको लेगरूम मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिलता है, आप आराम से हैजल फ्री ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी अगर आप जा रहे हैं लॉन्ग टूर पे। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो मिलता है वो एयर प्योरीफायर मिल जाता है, उसका यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है। यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यूएसबी पोर्ट में आपको चार्जिंग मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जर है। और यहीं पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है मोबाइल रखने के लिए या फिर वॉलेट रखने के लिए। यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको दोनों साइड में को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड में दोनों साइड में पॉकेट मिल जाता है, पैच पॉकेट। यहाँ पे आपको हेलोजन में रूम लैम्प मिलता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। और यहीं पे आप देखेंगे तो आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड ग्रैब हैंडल मिलने वाला है आपको। बात करें इसके व्हील बेस की, तो यहाँ पे 2500 एम का व्हील बेस मिल जाता है। चलते हैं अब इसके ड्राइवर साइड पर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें ड्राइवर साइड पर यहाँ पर हमें मिल जाती है। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिलने वाला है, जस्ट इस बटन को आप प्रेस करके गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं, और इस बटन को प्रेस करके आप गाड़ी को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे आपको एंटी पिंच विंडो मिलता है, जो कि हमारी गाड़ी में होता है, पर इसका मेन फीचर हमें नहीं पता होता है कि काम कैसे करता है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है। तो देखते हैं, तो ये वन टच अप एंड डाउन विंडो है, और साथ ही में एंटी पिंच दिया गया है। तो देखिए एक बार, है ना, काफ़ी ज़्यादा फीचरिस्टिक गाड़ी। और ये हमारी ज़्यादातर गाड़ियों में होता है एंटी पिंच विंडो। यहीं पे आपको ORVM का बटन मिल जाता है, एडजस्ट भी करने का, फोल्ड भी करने का बटन मिल जाता है, विंडो लॉकिंग मिल जाता है, सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है, यहाँ पे बोस का साउंड सिस्टम मिल जाता है, और यहीं पे आपको साउंड मूड लाइट भी मिल जाता है। अम्ब्रेला स्टोरेज के लिए स्पेस दिया गया है, और यहाँ पे बॉटल स्टोरेज के लिए स्पेस दिया गया आपको। साथ ही में अगर इसके आप जैसे ही अंदर एंट्रेंस लेंगे तो यहाँ पे आपको सिक्स वे एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है, जो कि लेदरेट सीट है, और सीट पे ही GT लाइन का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है ड्राइवर साइड में। तो आप देखेंगे आपको लेदरेट स्टेयरिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। और यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे ही GT लाइन का लोगो मिल जाता है देखने को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके स्टेयरिंग को अट्रैक्टिव बनाता है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे स्टेयरिंग पे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाती है, और यहीं से आप ट्रिप कंट्रोल कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल का आप स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहीं से घटा सकते हैं। यहाँ पे वॉइस कमांड मिल जाता है, साथ ही में वॉल्यूम रेज एंड डाउन करने का ऑप्शन मिल जाता है। मोड यानी कि आप रेडियो से अगर मीडिया पर आना चाहते हैं तो वहाँ के लिए स्पेशल बटन दिया गया आपको यहाँ पे। तो ये सारी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है। साथ ही में अगर बात करें तो यहीं पे आप देखें तो पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, ट्रैक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर का बटन यहाँ पे आपको दिया जाता है। अगर मान लिया आप पार्किंग सेंसर ऑन करके चल रहे हैं तो आपको वो इरिटेट करता है, तो आप यहाँ से जस्ट इस बटन को प्रेस करके बंद कर सकते हैं। ISG का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आइडल स्टॉप एंड गो होता है। बेसिकली अगर इसका बेनिफिट बताऊं तो इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि अगर आप मान लिया किसी भी ट्रैफिक वाले सिचुएशन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप
जाहिर सी बात है आप रश होता है तो रश में आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, तो आपको बार बार स्टार्ट नहीं करना होता, जस्ट आप एक्सेलेटर पर या फिर ब्रेक पैडल पर आप दोबारा से पैर रखते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी ऑन हो जाती है। यहाँ पर आपको बीम कंट्रोलर मिल जाता है, देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा सा क्लस्टर मिल जाता है जो कि डिजिटल एंड एनालॉग दोनों मिलता है, आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और बात करें इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की तो 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे अगर बात करें तो बोस का साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि इसमें 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि 2 ट्विटर्स होता है। ऑटो क्लाइमेट एसी मिल जाता है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आप देखेंगे इसके एसी वेंट को तो यहाँ पे डायमंड नर्लिंग पैटर्न जो मिलता है वो ब्लैक पियानो फिनिश मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है गाड़ी को, आप देख सकते हैं खूबसूरत लग रही होगी। यहाँ पे आपको DRVM मिल जाता है जो कि आप रियर का व्यू देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से जस्ट इस बटन को प्रेस करके यहाँ पे आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं उसको। यहाँ पे आपको दोनों साइड में वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, एक बार आप देख लो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। और यहीं पे जैसे ही आप उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के लिए यहाँ पे आपको USB केबल दिया गया है, और यहीं पे आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है जो कि USB टाइप में मिलने वाला है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपको गियर नॉब मिलने वाला है जो कि लेदर रैप्ड गियर नॉब होने वाला है, बट यहाँ पे आपको क्लच पैडल नहीं मिलेगा गाड़ी में। तो अब बात करते हैं ये काम कैसे करती है IMT। तो IMT बेसिकली जो काम करता है वो इंटेंशन सेंसर के थ्रू काम करता है। जैसे ही इसमें TCU कनेक्टेड होता है तो आप जैसे ही इस गियर नॉब पे हाथ रखते हैं तो वहाँ पे इंटेंशन सेंसर काम करता है और वो गियर को इंगेज और डिसइंगेज करने के लिए रेडी हो जाती है। तो इस तरह से इसका वर्किंग प्रोसेस है। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है, थोड़ा सा वाटर बॉटल स्टोरेज, और यहीं पे आप इसमें मोबाइल भी रख सकते हैं आराम से। यहाँ पे आपको लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट मिलने वाला है, थोड़ी सी यहाँ पे जगह भी मिल जाती है आपको रखने के लिए। और बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक परफ्यूम डिफ्यूज़र भी मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रही होगी गाड़ी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको IRVM जो मिल जाता है वो ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है जो कि इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM है। ये अपने आप में लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है और आपकी आँख पे जोर नहीं पड़ने देता। यहीं पे SOS का बटन मिल जाता है, RSA का बटन मिल जाता है और किया कनेक्ट का बटन मिल जाता है, जिसमें कि आपको 58 फीचर्स आपको लोडेड होता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने के लिए गाड़ी में, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलती है गाड़ी में। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, केबिन लाइट मिल जाती है, और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनरूफ भी प्रोवाइड किया जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। आप वेस्टर्न साइड जाएंगे, गोवा वोवा साइड, नॉर्थ साइड, तो आप अपना आराम से सनरूफ खोल के ट्रैवल कर सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ से आती है। तो बात करते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सनशेड कर्टन मिल जाता है जो कि आपको रियर साइड मिलता है, और यहाँ पे आपको सन वाइजर्स मिल जाते हैं वैनिटी मिरर के साथ में। तो काफ़ी ज़्यादा फीचरिस्टिक गाड़ी है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो मैं साउंड मूड लैम्प की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको साउंड मूड लैम्प भी मिलने वाला है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहीं पर आपको बोस का साउंड सिस्टम का लोगो भी मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको साउंड एम्बियंट लाइट्स मिल जाती है, साउंड मूड लैम्प, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है गाड़ी देखने में इससे। और बात करें इसकी सेफ्टी की तो यहाँ पे आपको सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं जो कि ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड सीट में होने वाले हैं, और बाकी दोनों पिलर में होता है, और यहाँ एक स्टीयरिंग में और एक डैशबोर्ड में मेंशन किया गया है जो कि 6 एयरबैग्स है इसमें। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।